नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे ही एक अपराध की घटना सामने आई है राजधानी लखनऊ से, जहां न्याय के देवता कहे जाने वाले न्यायाधीश के घर से पिस्टल चुरा ली गई। दरअसल इस पिस्टल से अपने रिश्तेदार की हत्या करने की योजना बनाई जा रही थी। वहीं इस घटना में घर का नौकर पूरी तरह से शामिल था। नौकर ने हजरतगंज के लॉरेंस टेरेस कॉलोनी में इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें उसका एक सहयोगी भी शामिल था। नौकर की जानकारी के बाद ही जज के घर में घटना को अंजाम देने का काम शुरू किया गया था, लेकिन पुलिस की कार्यवाही ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी हाँ, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी का खुलासा करके वारदात होने से रोक लिया। प्रयागराज के रहने वाले आरोपियों को उनके जिले से गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। वहीं नौकर से बातचीत के दौरान पता चला कि इस पिस्टल को चुराने का मकसद उसके किसी रिश्तेदार की हत्या करना था। फिलहाल डीसीपी मध्य द्वारा अभी भी नौकर के अपराध का ब्यौरा खंगाला जा रहा है। क्या कुछ बजा रही है? देखिए, दिनांक 31/12/2021 को हजरतगंज क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति के द्वारा हमें सूचना दी गई कि उनके घर में से एक लाइसेंसी पिस्टल, दो मोबाइल फोन्स और कुछ पैसे चोरी किए गए हैं। घटना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारी टीम्स इसमें एक्टिव हुई। एक्टिव जब हमारी टीम्स हुई तो जानकारी मिली कि इनके यहाँ कुछ दिन पूर्व में एक नए व्यक्ति को नौकर के रूप में रखा गया है, और हमारी टीम्स ने इस सूचना को आगे डेवलप किया। डेवलप करने पर इस बात की पुष्टि हुई कि ये चोरी इसी नौकर द्वारा की गई है और इसका एक सहयोगी है, वो भी इसमें शामिल था। इन दोनों को अरेस्ट किया गया और इनके पास से 100% माल की रिकवरी हुई है। लाइसेंसी पिस्टल की बरामदगी हो गई है, साथ में जो उनके फोन्स थे जो गए थे उसकी भी रिकवरी हमारे द्वारा की गई है। मैम, कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जब इनको इनसे पूछताछ की गई तो चोरी करने का कारण इनसे पूछा गया। चोरी करने के कारण में पहले ये पुलिस को घुमाते रहे, उसके बाद जब इनसे और बातचीत की गई कि इन्होंने स्पेसिफिकली लाइसेंसी पिस्टल को क्यों चोरी किया, तब इनके द्वारा बताया गया कि जिस जनपद के रहने वाले हैं, जिस गांव के रहने वाले हैं, वहाँ इनके चाचा के साथ में इनका विवाद चल रहा था और इनके दिमाग में ख्याल आया कि इस पिस्टल को यूज़ करके वो उनको हानि पहुँचाएँ या उनकी हत्या करें। इन दोनों अभियुक्तों को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। जो हमारी टीम है जिसने 24 घंटे के अंदर ये वर्कआउट किया है, उसको हमारे द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। जो दूसरा है वो तो इनके अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।